रजिस्टर टू का नकल बिना घूस का अभिलेखागार के पदाधिकारी से मांगने को लेकर किसान मंच के लोग अम्बेडकर चौक पर धरना दिए हुए हैं। बुधवार को भी आहरडी मौजा कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव सिंह एवं टाटो कियारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष रोहित यादव अपने मौजा के किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हैं। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अभिलेखागार के पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार को किसान मंच द्वारा दिया गया एक ज्ञापन दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके आधार पर नकल नहीं दिया जा सकता है, पर यह नहीं कहते हैं कि धरना में बैठे हुए किसान नियमानुसार निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म 17 में अपने व अपने अधिवक्ता के माध्यम से कई बार आवेदन दे चुके हैं। इन्होंने कहा कि अभिलेखागार के पदाधिकारी झूठ बोलकर लोगों को अंधकार में रखना चाहते हैं, जिसे किसान मंच हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर धरनार्थियों ने कहा कि फॉर्म 17 में निर्धारित शुल्क के साथ जो आवेदन जमा किया है उसका सारा साक्ष्य हम लोगों के पास है। अभिलेखागार के पदाधिकारी सत्य प्रकाश में यदि साहस है तो वह लिखित में यह बात कहें कि आहरडी मौजा एवं टाटो कियारी मौजा के रजिस्टर 2 के नकल हेतु फॉर्म 17 में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन नहीं दिया गया है। इन्होंने धरने को लगातार जारी रखने का ऐलान किया। धरना कार्यक्रम में किसान मंच के जिला संरक्षक अजित कुमार सिन्हा, अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, भोगतिया लोहारी के अध्यक्ष पूरन सिंह, महुआर के अध्यक्ष कुंजल कुमार, दुर्गापुर के अध्यक्ष हेमलाल सिंह, बैदुन निशा, दशरथ यादव सहित किसान मंच के कई लोग उपस्थित रहे। अभी सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि जिसके पास रजिस्टर 2 नहीं है, जिसका नाम रजिस्टर 2 में नहीं है, उसके जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं होगा, उसका रसीद नहीं कटेगा। किसान जो है पिछले 8 महीना से यह प्रयास कर रहा है रिकॉर्ड रूम से रजिस्टर 2 लेने के लिए। 16 मौजा के लोगों ने आवेदन दिया था, 16 मौजा में से सिर्फ एक मौजा बुद्धूडी का रजिस्टर 2 का नकल दिया गया है, 15 मौजा का नहीं दिया जा रहा है। बार बार रिकॉर्ड रूम के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, आवेदन ही खो गया है, आवेदन ही भूल गया है। किसान जो है सो परेशान है। एसी साहब से बात हुआ, विगत 22 फरवरी को हम लोगों ने प्रदर्शन का तैयारी किया था, हम लोगों को रोका गया। इसी हिसाब से बात हुआ कि नहीं, अब जो है सो जाके दे देंगे। यहाँ भी रेकर्ड रूम के प्रभारी पदाधिकारी बोले कि नहीं, हम निश्चित रूप से दे देंगे। लेकिन चूंकि यह देखा जाता है कि एक एक पन्ना के लिए यहाँ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 का तसीली होता है, इसलिए ये सब चाह रहे हैं कि यदि पूरा मौजा का मिल जाएगा तो हमारे यहाँ कौन लेने आएगा। और इसी वजह से बार बार जो है सो टहलाया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। खाक मार के किसान मंच के टाटो कियारी मौजा के अध्यक्ष रोहित यादव और आहरडी मौजा के बासुदेव सिंह जी अनिश्चितकाल के लिए धरना पर बैठ गए हैं, और आगे भी इसी तरह के अन्य मौजा के लोग आगे निरंतर जिलों के धरना पर बैठे हैं। तो क्या मांग है लोग? मांग है कि रजिस्टर 2 दे दिया जाए, रजिस्टर 2 का दे दिया जाए, बिना घूस का दिया जाए, बस यही मांग है। सरकारी जो फीस है वो हम लोग को देने के लिए तैयार है, घूस नहीं दे सकते।